बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 के एमसीक्यूज रिड्यूस सिलेबस के 2019 में है 16 पार्ट नंबर पहले क्वेश्चन का 16 पार्ट। इफ एफ बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड आर बी द नॉर्मल रिएक्शन देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी एफ बराबर है म्यू आर। ये होता है म्यू का फॉर्म। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर म्यू निकालना है आर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड म्यू बराबर जाएगा एफ अपॉन आर। तो ये आपको दिया हुआ है पहला ही ऑप्शन। ठीक है फिर 2018 में चले जाए। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूड विद टर्मिनल वेलोसिटी इट्स वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट किसी फ्लूड में गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी को। वो टर्मिनल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होती है। ठीक है ये फ्लूड फ्रिक्शन का टॉपिक है रिमेंस कांस्टेंट। अब फ्लूड फ्रिक्शन पता नहीं है नहीं है शायद कोर्स में। 17 स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द ये स्टोक्स लॉ भी वही फ्लूड फ्रिक्शन है। बॉडीज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम मूविंग बॉडीज थ्रू नॉन विस्कस मीडियम मूविंग बॉडीज थ्रू वैक्यूम मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस। विस्कस कहते हैं जो मजामत करे। विस्कोसिटी आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ना। पानी होता है शहद होता है वो जब बहता है तो उसकी एक लेयर दूसरी लेयर को रोकती है वो विस्कस कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में फ्लो करता है तो उसके लिए स्टोक्स ने एक लॉ दिया था। ठीक है तो इसका सेकेंड ऑप्शन है मूविंग बॉडीज थ्रू विस्कस मीडियम। अच्छा 1.5 है। फिर आगे 16 में है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जब वेलोसिटी कम हो रही होती है फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाती है। चैप्टर 5 में भी मैंने समझाया था और 3 में भी। ठीक है वो कह रहे हैं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेवनटीन में कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होती है दूसरी बॉडी पे उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और जब मूव कर जाती है फिर फ्रिक्शन को क्या कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती थी लेस देन होती थी। वेरी गुड लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। 15 में आ जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स। वेरी गुड डेल्टा पी अपॉन टी हमने निकाला था फोर्स। 2013 इफ द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सेम देन द बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन है। ठीक है वैसे कोर्स में वेलोसिटी भी नहीं है लेकिन बाहर रिड्यूस में फोर्स की डायमेंशन क्या है ये तो मैंने आपको बार बार कहा रट लो एम एल टी माइनस टू। 2007 में आ जाए इसके बाद व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट मूव्स विद न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए क्या हो गया एफ अपॉन एम। मास तो बॉडी का कांस्टेंट है अगर फोर्स भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। 10 न्यूटन की फोर्स है 2 किलोग्राम का मास है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड और वो चेंज नहीं होगी। तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट। फोर्स
4A1 डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम वी, एम की डायमेंशन क्या होगी, एम ही होगी, वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन, तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन। 4A2 स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई एफ इज इक्वल टू 6 पाई, इसको कहते हैं ईटा, इसको कहते हैं आर, इसको कहते हैं वी, ईटा विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है, कोई गोल ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा हो पानी में या शहद में, और वी उसकी वेलोसिटी है। तो 2006-05 में आ जाए, इसी के बारे में पूछता है, स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल, ये एफ किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो है, रेडियस भी है, वेलोसिटी भी है, मास नहीं है इसमें, इसमें क्या चीज़ नहीं है, मास नहीं है। उदाहरण 4 में यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या थी याद है, न्यूटन सेकेंड ना, ठीक है। और आखिरी काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, यही वाला सवाल है लेकिन सिंपल दे दिए, एफ के क्या होगा, एफ एस से कम होगा, तो पहले ऑप्शन है एफ के इज लेस देन एफ एस। ये वो रिड्यूस सिलेबस के एमसीक्यूज हैं जो पास पेपर्स में, वैसे तो बहुत सारे लेकिन रिड्यूस सिलेबस के यही बनते हैं, ठीक है। एक और